क्यों सुती सुती क्यों बना नहीं सके। हेलो जी, राम राम, स्वागत है एक और व्लॉग में। इव काम बने मेरा और बच गया दो। ना के आई हूँ, बाला में तेल लगा के आई हूँ, ढेर सारा कपड़ा धोया, धो के सुखाया, रोटी बना के खाई, तन आ गई बारिश, पटापट पटापट भागी गई, फिर कपड़ा उतारा, इतनी देर में फिर रुक गई। इब मैं दो पेंट फिर सुखा के आ रही हूँ, ध्यान रखी बाहरली साइड, कदे फिर आ जा बारिश। और इब लाइट भाग रही है, जैं आराम तो लेट रही हूँ, लाइट आ इतना रेस्ट कर लूँ, फिर काम का लागूंगी, सिलाई का काम का। हाथ पानी में कति गल गया सुबह का, झाड़ू पोचा, टॉयलेट बाथरूम साफ, सिंक साफ, बर्तन, फिर कपड़ा, सारा काम पानी ते, तो हाथ हिसा हो जा कति पानी में भीग भीग के। देखो अरिबागा अगर सर्दियाँ होंगी तो बहुत बेकार हाथ हो जाएगा, पानी भीग भीग के, ठंडा पानी कदे गर्म पानी कदे ठंडा पानी, क्यों इतना गर्म पानी भी कितने लियावा, सारा ये गर्म पानी में करा। तो मैं कर रही हूँ थोड़ी देर आराम। बच्चा मेरा ये रोटी खान लाग रहा है, छोटा वाला 2 बजे, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई ये हो रही है शाम और कुछ सूता बादल हो रहा है, बारिश फिर भी आस का है। और मैं इब की तक काम जा रही हूँ, मैं मंजू दोनों जाऊँगा, एक साथ की है उनके घर, थोड़ा सा पार्क तो के दूर पड़े हैं उनका क्वार्टर, तो वहीं जा रही हूँ। तो भाई मौसम बड़ा जबरदस्त हो चुका है, ये देखो बारिश आवेगी, और मैं एक आधी पेंट दोबारा तब बाहर गिर आई, फोन करके उतरवानी पड़ेगी। देखो के कसूता उस साइड ने ज्यादा कसूता काला हो रहा है, मंजू के बाट देखू रखड़ी खड़ी कोई सी आवेगी, वाह आरागी बूंद। तो तो आ गई भाई इतनी देर में बारिश, और उरे बढ़ रही हाँ मैं मंजू तो और मैं कहूँ थी आवेगी, मन के बेरो इतनी जल्दी आ जाएगी, तो वहाँ तो भेज जावा इन्हें, या तो शुक्र है उरे यहाँ है लेन सीढ़ियाँ चढ़ांगा उतरांगा, इतना अपनी एक्सरसाइज करांगा। सो क्या आई है तुम, कौन सा टाइम की सोई आज, हेलो गाइज, हम फंसे हुए हैं तूफान में। गाड़ो ला जा मन तो सारे आवे से कर जाने के लिए, या बुद्धि से की आ रही या दया बेबे बीज की सारी ड्यूटी करके आई है ही। न्यू कह देगी मेरी क्यों बनाई वीडियो, चल थाने चल। रोटी को पानी पड़ेगी मेरी, गल गल चली जाऊंगी, चाल बेबे चाल बेबे। भाई हम तो उरा बैठ गया था कार के, यहाँ से कुत्ती पे आ गए इनसे कुत्ती से ले रो, और बारिश रुकने को नाम नहीं ले रही, देखो जबरदस्त बारिश है। बालक ने पार्क में देवे भीग गया, इतना सारा खेलता खेलता पेड़ा नीचे खड़ा हूँ,
भीग गया बालक जो पार्क में जा रहा था वह वो पेड़ा नीचे खड़ा। चमक चलो जरा जल्दी जल्दी चलो गिर मत जाइए रे चालन के चक्कर में कदे कदे गिरवा दी मैंने कित गई है वो रास्ता है देखिए सा सूत कितनी जल्दी ग्रो कर गयो घर का नहीं थी ना के करण गई थी जो निकल गई प्रॉपर मिला नहीं थी घूमन गए थे पार्क में ये बड़े बड़े बूटे ये दे यार सारी पार्टी भीज गई रे बैठे है ताश खेल दऊं आ बड़ा बूटा के बेरो थो हमने अक मी आ जागो हैं तड़कई तड़कई उ आ जाए कर मशीना पर एक्सरसाइज करण ने कहीं पर अपने मोदी पड़े कहीं पर सोदी पड़े न्यू करके अपना पेट अड़को हो जा मैं तो आ जाऊंगी तेरी बता रास्ता देख दोनों साइड पेड़ लगा के कितनी गहरी छाया हो रही है। तो भाई मैंने मशीन पे बैठी हूँ मैं और ये पिनटेक्स की लाइन लगाऊ थी मैं धागा डाल के मशीन में 333 और फिर इस तरिया तापी थोड़ा सा मतलब बाजू पैगड़ा आप डिजाइन बनाना हो तो इस तरिया डिजाइन बना सका सिंपल है धागा तो जो आप सिलाई करा। ये देखिए मैंने ये 3 लेयर कर रखे हैं धागे की मैं दिखाऊंगी आपने ये किस तरिया निकालना है तो मैंने ये गला पर निकालना है निकाला है ये मैं बनाऊंगी फ्रॉक और ये बन ना रहा था इसका मैंने बीच में जोड़ लगाया है जैसे मेरा का लगाया था तो मैंने ये पिनटेक्स तो थोड़ा डिजाइन बनाया है फिर ये पूरा गला बनाऊंगी ना फिर ये सही लगेगा बाद में दिखाऊंगी आपने मैं और मैंने ये किस तरह निकाला है या बात मैं दिखाने खातर मैं ये कैमरा ऑन कराया है नहीं पछताम न्यू कहती दिखाया करो दीदी आप। तो जैसे वो कपड़ा है ठीक है और इसमें मैंने ना 2 आम तो धागा यो डाल लिया येलो कलर का इसमें आप 4 धागा ते भी निकाल सको 3 ते भी निकाल सको तो मैंने 3 धागा करके और ये सिलाई वाला ये धागा है इन तय ये निकल जा है और ये अच्छी लग गए हैं पिनटेक्स ने अंकर अंकुर अंकर का वो करा मैंने अंकर की कढ़ाई तो एक तो रील मैंने उरे चढ़ा दी 2 ये मैंने टेक दिए 3 डबल धागा करके मैंने इसमें कढ़ा लिया थोड़ा इसने लूज छोड़ लेंगा है ना और फिर जैसे वो अपना कपड़ा है और इसने और भी सफाई था अगर आपने ज़्यादा करना हो ना मैंने तो वह 2 लाइन लगानी थी तो उस पर थोड़ा आप पेपर चिपका ले नीचे बुकरम वाला और फिर दबा के इसके नीचे और फिर चलाओ थोड़ी सी मोटी चाल रख थोड़ी सी मोटी चाल रखा थोड़ा सा पीछे तक कपड़ा खींच ले तो फिर यह इस तरह तक कढ़ाई से निकला हो गया। देखो फिर यह बाजू पे प्लेन सूट पे कैसे भी आप डिजाइन कर सका फिर यह अच्छी लग गई करी हुई तो इस तरह निकालना है यो अंकर वाला। ये चेयर किसने देखनी थी एक तो यह चेयर है सिलाई की इसके ऊपर मैं यह गद्दी गेर के रखा करूँ ताकि पसीना ना आवे यह मैंने ली थी 1000 रुपए की किसी ने कमेंट कर रखा है दोनों चेयर दिखानी है या मेरी मशीन या मेरा टेबल फुल नीचे तक भर पड़ा है या इंटरलॉक मशीन और यह चेयर ने यह चेयर है पार्लर का काम किया हुआ मैंने ये मेरे पास 2 थी एक तो मैंने बेच दी या पड़ रही है 1 चेयर 10,000 की तो या ऊंची भी हो जा है नीची भी हो जा है और इसने बिल्कुल सीधी पीछे भी कर लो आगे भी कर लो इसने कैसे मर्जी कर लो तो या तो मैंने जान के ना दी मैं खा अभी भी कुछ कुछ काम कर लेते हैं ना कई बार जैसे आपस में कोई ब्याह शादी हो तो फेसियल वगैरह कर लें आईब्रो कर लें इस पर बैठ के तो ये इसलिए मैंने नहीं दी और इसका ये यहाँ हैंडल है तो ये पीछे भी हो जा है हो जा भाई ये कहता मेरे तो हुआ कौन तो यह पीछे भी हो जा है
और किसी ने पूछा था मोटर फट्टे पे लगवान खातर अलग तब बनवानी पड़े है या बेल्ट या है ना रबड़ की आए जा है, इसने चाहे वैसे भी लिया हो। और फिर इसने जड़ा के देखिए, जड़ा के मन ने चिपकायड़ी है यहाँ तक, या इब तो थोड़ी सी उतर रही है। इसने जड़ा के दोनों साइड तर इसने ऐसे ऐसे मिक्स कर ले दोनों अन पकड़ के, तो यह चिपक जा है या बड़ी बनवानी पड़े है। ये इंटरलॉक का बाकी है, ये सूट आज मैंने कंप्लीट कर लिया था। चलो इसने दिखाऊं, स्टैंड पर लगा दूं मैं एक बार फोन ने। और यो बीच में पड़ा है, फ्रॉक सूट बनाने लग रही हूँ। इसमें मेरी रील है, ये देखो। और इसमें मैं छोटा सारा सामान, इतना सामान, ये फिरकी वगैरह, कोई तुरंत सूट सिल लूँ ना, वह फिर मैं रील इसमें डाल दूँ, तुरपाई खातर इसमें डाल दूँ, तो फिर वह मैंने ढूंढनी पड़े। और ये बचोड़ी रील, ये उसमें डिब्बा में तो टिके कोनी, तो फिर मैं इस तरह से डाल दिया करूँ। और कई बार इमरजेंसी में गिर दिया ना, तो जै तो भर जा है, फिर मैं कई दिन में संगवाऊँ जद इन्हें डिब्बा में भी डाल दिया करूँ। तो अभी मैं यह कुर्ती दिखाऊंगी आपने। और इसका ना मैंने 3 सवा 3 इंच चौड़ाई रखी है गले की, दिखा भी है कि थोड़ा बहुत, ये देखो। और ये इसका आगे का, इस पर लगेंगे अभी बटन, और ये पूरा चौकोर यहाँ से लेके यहाँ तक लेस लगा रखी है। ये सिंपल पट्टी दे रखी है और कुछ नहीं कर रखा, ठीक है, सिंपल का सिंपल, पूरा ना दिखा थोड़ा कैमरा ने, इधर करना पड़ेगा। और उसके बाद बाजू पे इस तरह से पट्टी लगा के, दोनों साइड लैस लगा के, और आगे तो थोड़ा सा ये कपड़ा छोड़ भी रखा है इस तरह से, सिंपल सलवार का एक कपड़ा लगा रखा है। किस तरह नाप लेना है, एक सिस्टर ने पूछा था, जो सिली सिलाई पैंट है उसका किस तरह नाप लेवा। तो जैसे यह पैंट है, और इसका नाप लेने खातर इसकी बेल्ट नाप लेंगा। इसकी बेल्ट है 19 बेल्ट है, तो इसका डबल कर लो, यानी टोटल 38 इंच की कमर के लिए ये पैंट बनी है। तो इस तरह नापना है, 38 इंच कमर अपने पास आ गई, और उस कमर के हिसाब से आप ही जिस तरह आप ही ने सही लागा, जो तरीका आप ही ने अपना रखा है, उस हिसाब से आप ही कटिंग कर सका। जैसे 38 का चौथा हिस्सा हमने लेना है 9.5 में आपने 1.5 इंच ऐड करना है, 2 इंच करना है, 2.5 करना है, वो आपकी लूज पे या फिटिंग की पैंट पे निर्भर करे है, आपने पहननी किसी है। तो पैंट का यो ही सिंपल सा मेथड है नाप लेने का। लास्टिक चेक कर लो, लास्टिक कितनी डाल रखी है, बाकी कमर की, कमर जैसे होगी कमर, लास्टिक कैसे डालना है, जैसे फुल कमर होगी उसका आधा हिस्सा तो अगली साइड यो बेल्ट बना दें, हाँ, और जो आधा पीछे का बचा है ना, उसमें तो 4 इंच कम करके आप ही नहीं इलास्टिक डालनी हो है। तो इस तरह डाले करें इलास्टिक, ठीक है। जैसे आगे का 19 हो गया, 19 में तो यो 15 इंच का इलास्टिक पाओगा, तो कै इंच कम होया होगा ना, 4 इंच कम। तो इस तरह डल्या करें इलास्टिक, भैया ये नाप लेना हो है सिंपल, और कमर के हिसाब से आप ही फिर यो आसन निकाला हाँ। और अब भी फिर कोई समझ में नहीं बात बैठी हो तो वही फिर बता दियो। रोटी मैंने बना ली, खानी खानी रह रही हैं, कोई रोटियां का चलन का नाम नहीं ले खान खातर, इस सब तो पहले मैं ही खाऊंगी, खा खू के अपना आराम तो एक पास हूँ, कोई खा वो तो खा ले। ये अमरूद किस दिन ले आई थी मैं, आधा एक किलो अमरूद ले आई थी, इन मैं तो 2-3 अमरूद तो मैंने ही खाया हूँगा, ये अमरूद दरिया दरिया बासी हो लिया कती, बालक इनके कानी चाल बन रहा यार। ई मैं न काट के इन पर नमक डाल दूंगी ना, और उड़े से ले जाके धर लूंगी,
खाना खाते फटाफट ही खा ली मैं इतना टाइम मेरे दर भी कौन नहीं मैं पूरा कर लूंगी खाना खा लेंगा इन तड़का मैं इनकी चाट बनाऊंगी काट के ऐसी निकम्मी औलाद है मेरी तुम्हारे घर पे भी है क्या ऐसी निकम्मी औलाद ये देखो गेम खेलता पाऊंगा ये देखो मेरी निकम्मी औलाद मौसम हो रहा है बारिश का ठंडी हवा चल रही है ठंडा मौसम है पर इनकी एसी बंद नहीं होगी इसे टाइम और जब मैं बूढ़ी होके मैं चलाऊंगी ना एसी जब ये मैंने न्यू कहूंगा मम्मी बिल आवा है बहुत गणू एसी बंद कर दे तेरे के हो रहे क्या गर्मी में रह तू अरे भी किसे टाइम बंद नहीं कर रहे तो गाइज प्रसाद आ रही है हमारे पड़ोसियां कहते हैं खा लो तुम भी रोटी खा लो चलो मैं तो खा लू ये खेल की चिकंगा जो दिखाऊंगा इनका पापू बाहर जा रहा हुआ होगा जो दिखाओ तब तक अपना पेट पूजा कर लेते हैं वो कैसे कहते हैं पहला काम पहला पेट पूजा फिर काम दूजा तो वो काम अब मैं करूंगी तो गाइस व्लॉग का यही एंड कर देते हैं मिलते हैं कल वाले व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों लाइक करें शेयर करें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।